रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध का आज 29वां दिन है। पिछले 28 दिनों में यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और रूस पर लगाए गए तमाम तरह के आर्थिक सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में युद्ध को रोकने के लिए कई बार कहा है, लेकिन उसका कोई असर देखने को नहीं मिला और जंग लगातार जारी है। दोनों ही देशों की अपनी जिद पर अड़े होने की वजह से आम नागरिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले के बाद वीरान और खंडहर नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें रूस यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध के बीच रूसी बॉर्डर से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी बॉर्डर पर एक दो नहीं बल्कि नाटो देशों के 30,000 सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी तक शामिल है। दूसरी ओर देर रात हुई यूएनएससी की बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रूस ने यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बिना किसी वजह बताए, और इसी वजह से प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले। इसमें भारत भी शामिल रहा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं देकर भारत ने फिर साबित किया है कि हम यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल हैं, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। इससे पहले भी पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी यही रुख अपनाया था, जिसको लेकर कई नाटो देश सवाल उठा रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की वजह से आम लोगों के साथ दोनों देशों की सेनाओं को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। नाटो ने एक अनुमान के आधार पर बताया कि यूक्रेन से 4 हफ्ते के युद्ध में 10,000 से लेकर 15,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान की जंग में रूस ने 10 सालों के अंदर लगभग 15,000 सैनिक खोए थे, लेकिन लगभग इतने ही सैनिक सिर्फ 30 दिनों की जंग में रूस को खोने पड़े हैं। आई एम रिपोर्ट।